बहराइच होमगार्ड को गोली मारी लखनऊ रेफर। रामगांव थाने से महज 200 मीटर दूरी पर हुई घटना। रामगांव थाना अंतर्गत दुबिया गांव निवासी रामेश्वरम को रात में थाने से 200 मीटर दूरी पर छप्पर में सोते समय अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी। लौलुहान रामेश्वरम को रात में ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर होमगार्ड को मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया है। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर होमगार्ड के साथ हुई घटना से क्षेत्र के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट अजमल शाह। तेंदुए के हमले से होमगार्ड हुआ घायल। समस्ती एक जंगली जानवर तेंदुए ने ड्यूटी को जा रहे एक होमगार्ड पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि होमगार्ड जिसका नाम रामरूप पुत्र कृपाराम निवासी बन गए थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती का रहने वाला है, जो आज सुबह करीब 5 बजे घर से ड्यूटी पर भिनगा के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में डगमरा नाली के पास स्थित लक्ष्मणपुर गांव पर तेंदुए ने होमगार्ड पर एकाएक हमला बोल दिया, जिससे ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को तेंदुए ने पटक दिया। जब होमगार्ड चिल्लाया तो गांव वाले दौड़े। गांव वालों के शोर सुनकर तेंदुआ होमगार्ड को छोड़कर भाग गया। लेकिन आपको बता दें कि होमगार्ड के ऊपर हमला करने से होमगार्ड भयभीत हो गया है। होमगार्ड ने सिरसिया थाने पर प्रार्थना पत्र देकर तेंदुए को पकड़ने के लिए विनती की है कि जिससे वहाँ पास में रह रहे गांव वालों पर किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। क्या नाम है आपका? ये क्या मामला है आपका? हम गांव से आ रहे थे ड्यूटी पर। कितने बजे? 5:30 रात में। कल की सुबह? आज सुबह। क्या हुआ है? ये ओला उतर रहे थे, बाद में वो बाघ निकला और हमारे इधर देख के अटैच किया और उसने पकौड़े पर मारा पंजा, उसी में धागा धागा जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ने लगे तो फिर मेरे ऊपर आक्रमण किया। लेकिन मैंने साइकिल लिए थे, साइकिल जब थबड़ा थोड़ा तो उसमें भाग निकला। जब मैंने पीछे कुछ दूर पिछड़ा, उसके बाद में साइकिल पर बैठ कर लक्ष्मणपुर गाँव पहुँचा। वहाँ सब औरतें उठी थी बाहर करने के लिए, तो जब वो इकट्ठा हुए तो मैंने बताया कि मुझको बाघ ने काटा है, उधर मत जाएंगे। तब उन लोगों ने मेरा वर्दी फलत उसके खून बह रहा था। फिर वहाँ से मैंने यहाँ अस्पताल में पहुँचा, फोन किया, वहाँ लखनऊ गाँव में पहुँचकर फोन किया तो घर वालों ने आया आ गए और होमगार्ड को बुलाया। वो हमारे साथ खूब ड्यूटी कर रहे थे तो उन्होंने लेकर अस्पताल पहुँचा साथ में। तो इधर देख के आप बोलो। वहाँ मैंने पहुँचा तो पर्ची बनवाने के बाद में जब जहाँ पट्टी होता था वहाँ पहुँच कर मैंने उनसे कहा कि तुमने घर पर पट्टी करिए, तो उन्होंने कहा कि इसको अपने कुछ धोइए। तो मैंने कहा मैं कैसे धोऊँ, इसको दर्द हो रहा है, तो कहीं साबुन होना चाहिए। तो कहीं साबुन हमारे पास इतने साबुन कहाँ है? वहाँ से आप जिले पे आए? हाँ जिले पर आए। जिला अस्पताल में बताए जी। फिर उसके बाद में गाँव को मैंने अपने को धोया कि उन्होंने पट्टी झूठा साझा कर दिया। इसके बाद में जब सेमू साहब आया तो दोबारा पट्टी और झूला। मौके पर आपको कौन कौन से कर्मचारी मिले स्वास्थ्य विभाग के? नाम आपको पता है? श्याम नारायण मिश्रा और ध्रुव कुमार दोनों चिकित्सक।
मोटरसाइकिल में हुई जोरदार भिड़ंत। सरवस्ती बहराइच से आ रही कार, इंडिका गाड़ी और मोटरसाइकिल में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें कई लोग हुए जख्मी। आपको बता दें कि पखतपुर के रहने वाला जो इंडिका गाड़ी को बहराइच लेकर आ रहा था, तभी मलहीपुर पटपरगंज के पास कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिससे कई लोग मोटरसाइकिल सवार और कार में बैठे लोग को भी चोट आई है, जिनका इलाज मिर्जापुर चौराहे पर किया गया। चोट लगे व्यक्तियों में मेराज खान जो मुलायमपुर के फिरोज खान छिदीपुरवा तथा हैदर अली पकड़पुर का बताया जा रहा है। हैदर अली जो कार को चला रहा था, तभी मलहीपुर थाना के अंतर्गत ग्राम पटपलगंज के पास मोटरसाइकिल और कार में एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? पर क्या लगता है आपका? जी, यह दुर्घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे दुर्घटना हुई है? जैसे हम लोग गांव से मोड़ से निकले हैं ना, तो स्पीड में था गाड़ी, वो गाना भी सुन रहा था। जैसे हम लोग के आगे गाड़ी निकली ना, जो धोखा धड़ा था स्पीड में, तो फिर कटा दिया। आपने सूचना पुलिस कर्मचारी को दी? हम लोग कुछ करने वाले आदमी से सलामत देखिए। आपका नाम क्या है? सतीश यादव। ये कहाँ के निवासी हैं? मिर्जापुर। जनपद क्या लगता है? अच्छा, ये जो दुर्घटना हुई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते, हमारे आदमी से सलामत। जी, हमारे ड्राइवर भी सही, जो फोर व्हीलर वाला है। ये दुर्घटना कितने बजे हुई?